Starting with the fourth part, here it says negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter. Length आपको इतना दिया हुआ है 15 मीटर का. दूसरी चीज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया भी मेंशन है, 6 × 10⁻¹ मीटर स्क्वायर. तीसरी चीज आपको क्या दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम. तीसरी चीज हमें, चौथी चीज हमें निकालनी है रेजिस्टिविटी मटेरियल की एट द टेम्परेचर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो यार यहाँ पे रो निकालना है हमें. अब रो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, हमें पता है कि आर का क्या फॉर्मूला होता है, ए इट डिपेंड्स ऑन ए, इट डिपेंड्स ऑन आर इज इक्वल टू एल ओवर ए, और बीच में क्या आ जाता है हमारा, रेजिस्टिविटी आ जाती है, रो एल ए बन जाता है फॉर्मूला. तो रो किसके इक्वल होगा हमारा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इट विल बी ए इधर चला जाएगा आर के पास और एल किधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, सो इट वुड बी आर ए ओवर एल. अब आर की वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट करते हैं 5, ए की जगह हम 6 × 10⁻¹ सब्सिट्यूट करेंगे, एल में 15, 5 से 1 हो गया ये, 15 से 3 हो गया, 3 से 6 कैंसिल 2 आ गया. फाइनली वैल्यू क्या बची आपके पास, 2 × 10⁻¹. क्या क्या यूनिट होगी इसकी, ओम मीटर. रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, सो 2 × 10⁻¹ मीटर हो जाएगा, ओम मीटर. सो दैट्स वुड बी योर आंसर फॉर दिस वन.